हाय फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं वीएस एस्ट्रोलॉजी। मैं डॉक्टर गौरव आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ वीएस एस्ट्रोलॉजी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे जुलाई 2018 के शुभ मुहूर्त के बारे में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जुलाई 2018 में ऐसी कौन कौन सी शुभ तारीखें हैं जब कोई विशेष कार्य संपन्न किया जाए तो बड़ी शुभता के साथ वो कार्य संपन्न हो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे विवाह की, कि विवाह के जुलाई 2018 में कौन कौन से शुभ मुहूर्त है, कौन कौन से शुभ तारीखें हैं। दोस्तों, तारीख 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15 और 16, ये जो तारीखें हैं ये जुलाई 2018 में विवाह की अत्यंत शुभ तारीखें मानी गई हैं। उसके बाद में अब हम बात करें उपनयन संस्कार की, जिसे जनेऊ धारण संस्कार भी कहा जाता है, तो उसके लिए है तारीख 15। फिर यदि हम बात करें ग्रह आरंभ की, घर के निर्माण की भी, इवन यदि आप घर का निर्माण शुरू करना चाहते हैं, नींव रखना चाहते हैं, ग्रह आरंभ करना चाहते हैं, घर का उद्घाटन करना चाहते हैं, घर से रिलेटेड, अपने घर से, अपने मकान से रिलेटेड कोई भी शुभ कार्य करना चाहते हैं, तो उसकी जो शुभ तारीख है वो तारीख 28 और तारीख 30। उसके बाद में व्यापार की शुभ तारीख है। दोस्तों, यदि आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हैं, आप में से कई दर्शक मुझे कमेंट करके पूछते हैं कि सर हम शॉप ओपन करना चाहते हैं, शॉप खोलना चाहते हैं किसी चीज़ की, तो जो भी है शॉप आपका व्यापार ही है, तो व्यापार की शुभ तारीखें मैं आपको बता देता हूँ। जो भी आपका व्यापार है उस ओवरऑल सारे व्यापार की शुभ तारीखें, चाहे आप दुकान खोलना चाहें, चाहे आप नई तरह से कंपनी खोलना चाहें, किसी भी तरह की, तो वो जो शुभ तारीख है व्यापार के लिए वो तारीख है 5, 6, 18, 19, 20 और 22। तो ये व्यापार के लिए, बिजनेस को शुरू करने की अत्यंत शुभ तारीख है तारीख जुलाई की, ठीक है। उसके बाद में दोस्तों अब मैं आपको बताता हूं सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें। सर्वार्थ सिद्धि योग क्या होता है पहले तो ये समझिए। सर्वार्थ सिद्धि योग का मतलब इसके नाम में ही स्पष्ट है, हर कार्य सिद्ध हो जाना। आप कोई भी कार्य करना चाहें, कोई भी छोटा मोटा कार्य करना चाहें, जैसे कि आप में से कई दर्शक मुझसे पूछते हैं सर हम वाहन खरीदना चाहते हैं, हम फ्रीज खरीदना चाहते हैं, कूलर खरीदना चाहते हैं, हम एसी खरीदना चाहते हैं, ये जो छोटी मोटी चीज़ें हैं जो जीवन में बार बार की जा सकती है, जो सामान्यतः जीवन में बार बार की जा सकती है और जिनके मुहूर्त को देखने की आपको ज़रूरत पड़ती है, उसके लिए सर्वार्थ सिद्धि योग और पुष्य नक्षत्र के मुहूर्त को आपको देख लेना चाहिए और उसी के साथ साथ ये जो छोटे मोटे जो चीज़ें हैं इनको आपको संपन्न करना चाहिए उन तारीखों को। तो आपको मैं सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें जुलाई 2018 के लिए बताता हूँ। दोस्तों, तारीख 6, उसके बाद में तारीख 11, तारीख 13, तारीख 18, तारीख 21, तारीख 23 और 28, ये जो तारीखें थी, ये जो तारीखें मैंने कही हैं, ये सर्वार्थ सिद्धि योग की तारीखें हैं। और अब पुष्य नक्षत्र की तारीखें मैं आपको बता देता हूं, वह है तारीख 14th of July, ये पुष्य नक्षत्र की तारीख है। फिर से एक बार दोहरा देता हूं, छोटे मोटे जो कार्य होते हैं जैसे वाहन लेना या फिर किसी भी वस्तु को आप खरीदना चाहते हैं जो कुछ समय के लिए आप समझते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है, तो उन चीजों को आप इन शुभ तारीखों को, सर्वार्थ सिद्धि योग की या पुष्य नक्षत्र की शुभ तारीखों को देख करके खरीद सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको बताया जुलाई 2018 के कौन कौन से शुभ मुहूर्त हैं। मुझे विश्वास है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, इसे शेयर भी करें ताकि दूसरे भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सकें। दोस्तों, आपने वीडियो देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।